तो हे दोस्तों, यार आपने सेलिब्रिटियों को तो देखा होगा, सेलिब्रिटियों के पास आजकल इतना पैसा है कि वो कभी भी पार्टी बनाने लग जाते हैं, देन कुछ भी एक्सपेंसिव गिफ्ट और लेते देते हैं, जिनकी लिस्ट तक सोशल मीडिया में जाहिर हो जाती है। जी हाँ, वो जारी हो जाती है और सोशल मीडिया पर हल्ला भी मच जाता है इसी लिस्ट को लेकर कि भाई इतना पैसा है कैसे सेलिब्रिटियों के पास। लेकिन कभी आपने सोचा है कि यार ये सेलिब्रिटी भी जब एक आम व्यक्ति की तरह काम करते थे तो इन्होंने भी कोई सैलरी पाई होगी? तो आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं सेलिब्रिटी की कि इन्होंने फर्स्ट सैलरी अपनी क्या पाई थी। तो सबसे पहले जो नंबर पर आते हैं वो आते हैं सलमान खान। तो सलमान खान को बता दें, सलमान खान ने होटल ताज में एक बैकग्राउंड डांसर के तौर पर फर्स्ट अपना परफॉर्मेंस दिया था, जिसके लिए उन्हें 75 रुपये मिले थे और वो 75 रुपये जाकर सलमान खान ने अपनी माँ को दे दिए थे। तो भाई दूसरे हैं अक्षय कुमार। तो अक्षय कुमार तो आपको पता होगा, बैंकॉक में गए थे वो कुंग फू कराटे सीखने के लिए, जहाँ साथ साथ वो वेटर और सेफ की भी नौकरी करते थे, जहाँ उन्हें हर महीने 1500 रुपये मिलते थे, यानी कि पर डे के हिसाब से मानो तो यानी पर डे 50 रुपये पे काम करने वाले अक्षय कुमार आज करोड़ों में खेलते हैं। नेक्स्ट बात करें हम SRK यानी कि शाहरुख खान की। तो शाहरुख खान आज फिल्म इंडस्ट्री में एक जाना माना नाम है और साथ ही वो इकलौते ऐसे स्टार हैं जो सभी हीरो हीरोइन सबसे ज़्यादा पैसा इकलौते कमाते हैं, क्योंकि वो एक्टिंग के तौर पे नहीं, उनके काफ़ी सारे बिजनेस भी हैं। तो आपको बताएं, SRK ने पहली बार कमाए थे 50 रुपये और उन 50 रुपये से वो गए थे ताजमहल की सैर करने। जी हाँ, उन्होंने ताजमहल की सैर की थी उन 50 रुपये से। नेक्स्ट आते हैं ऋतिक रोशन। तो ऋतिक रोशन ने भाई फिल्म की थी आशा, जिसमें उन्होंने एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया था, जिसके लिए उन्हें करीबन 100 रुपये मिले थे और 100 रुपये मिलने के बाद इतनी खुशी हुई कि ऋतिक रोशन भाई टॉय कार ही खरीद लाए। नेक्स्ट बॉलीवुड इंडस्ट्री के परफेक्शनिस्ट यानी कि आमिर खान। आमिर खान एक्टर से पहले असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया करते थे। जी हाँ, असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया करते थे, जिनके लिए इन्हें 1000 रुपये मिला करते थे, जिस वजह से तो आज परफेक्शनिस्ट है क्योंकि भाई डायरेक्टर ये शुरू से थे, अब एक्टर भी बन चुके हैं। नेक्स्ट है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन ने भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में आने के लिए, अपने कद को ऊंचा करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की। तो आपको बताएं यार, बॉलीवुड में आने से पहले उन्होंने एक शिपिंग फॉर्म में भी काम किया था, जहां वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, जिसके लिए उन्हें मंथली 500 रुपये मिला करते थे। यानी कि आप देख रहे हो ना कितने कम कम में व्यक्ति जी रहे थे, यानी कि 16-17 रुपये पर डे के हिसाब से मिला करते थे अमिताभ जी को, जो आज करोड़ों में खेलते हैं। नेक्स्ट है जॉनी इब्राहिम। आपको बताएं, जॉनी इब्राहिम ने अपना जो करियर है वो स्टार्ट किया था फैशन के तौर पर, यानी कि वो एक अच्छे मॉडल थे और मॉडल से ही वो एक्टिंग में आ गए। तो उन्हें जब वो मॉडलिंग में थे तो उन्हें मिलते थे 11,800 रुपये, जो काफ़ी अच्छे हैं उनके लिए अगर माना जाए और हीरो के तौर पे आप देखोगे। सो अब हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के ही मैन यानी कि आयरन मैन धर्मेंद्र साहब जी की। धर्मेंद्र सर की बात करने वाले हैं। धर्मेंद्र सर ने पहली फिल्म की थी दिल भी तेरा हम भी तेरे, जिसके लिए उन्हें भाई मिले थे करीबन 50 रुपये, वो ही उनकी पहली डेब्यू फिल्म भी थी। तो भाई 50 रुपये में फिल्म की थी धर्मेंद्र साहब ने। नेक्स्ट है इमरान हाशमी भाई साहब, बॉलीवुड के किसर मैन कहे जाने वाले यानी कि इमरान हाशमी जी। और भाई साहब इतने क्यूट एंड स्वीट हैं। और आपको बता दें, उन्होंने पहले काम किया था एक कमर्शियल ऐड में, यानी कि कमर्शियल ऐड में किया था गुड नाइट, जिनके लिए उन्हें मिले थे करीबन 2500 रुपये। जी हाँ, 2500 रुपये मिले थे उन्हें। नेक्स्ट है भाई इरफान खान, लेजेंड एक्टर यानी वर्सेटाइल एक्टर जो हमारे बीच नहीं रहे, जिनका आज भी हमें गम है। वो फिल्मों से पहले ट्यूशन टीचर थे। जी हाँ, ट्यूशन टीचर थे और पर बच्चे से यानी पर स्टूडेंट से वो 25 रुपये लिया करते थे। लेकिन यार अब उनकी किस्मत तो भाई जहाँ भी है वो उनके लिए एक सैल्यूट तो बनता है, इतने अच्छे इंसान और एक्टर के लिए। तो नेक्स्ट है नसरुद्दीन शाह। नसरुद्दीन शाह ने पहला एक फिल्म किया था जिसमें उन्होंने क्या किया था, राजेंद्र कुमार के वो पीछे खड़े रहते एक फिल्मर सीन पे, जिनके लिए उन्हें मिले थे 7.5 रुपये। जी हाँ, 7.5 रुपये मिले थे। आज देख रहे हो ना, करोड़ों में खेलते हैं फिर भी बोलते हैं। नेक्स्ट हैं रणदीप हुड्डा। तो रणदीप हुड्डा के बारे में आपको बता दें यार, रणदीप हुड्डा एक लेजेंड एक्टर है और इनकी तारीफ जितनी की जाए वो कम ही है। तो आपको बता दें, रणदीप हुड्डा ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले उन्होंने जॉब की थी एक रेस्टोरेंट में बतौर वेटर, जहाँ उन्हें मिले करते थे भाई 350 रुपये। जी हाँ, उनकी फर्स्ट सैलरी थी 350 रुपये। तो आप बताइए, आपको किसकी सैलरी सबसे ज़्यादा कम लगी और आपको सबसे अच्छा कौन लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।